दोस्तों जल्दी से बताइए दुनिया में कितने ममालिक हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं, चलें एआई की मदद ले लेते हैं और एआई से पूछते हैं दुनिया में कितने ममालिक हैं। अरे ये तो 195 कह रहा है, लेकिन यूएन के मुताबिक तो 193 है। और अगर हम फीफा के मुताबिक देखें कि दुनिया में कितनी कंट्रीज की फुटबॉल टीम्स हैं तो ये तो 211 है। तो इतने सारे मुल्कों का फर्क क्यों है? जी हाँ, 15 ऐसे ममालिक हैं जिनको दूसरे कंट्रीज के लोग नहीं मानते हैं। और ये सवाल डिपेंड करता है कि आपने किससे पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइना से पूछेंगे तो वो जवाब कुछ और देगा, क्योंकि वो ताइवान को अपने साथ गिनेगा। लेकिन अगर तो वो ताइवान और चाइना को सेपरेट रिपब्लिक गिनेगा। तो इसीलिए हर मुल्क की काउंटिंग दुनिया में मुख्तलिफ है और ये एक इंतहाई कम्प्लेक्स आंसर है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन ऐसे कंट्रीज जिनकी दूसरे लोग सोचते हैं कि ये फेक कंट्रीज हैं। जी हाँ, नंबर वन पे है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। जी हाँ, एक जजीरा है साइप्रस, आपने नाम तो सुना ही होगा। लेकिन साइप्रस 1974 में सेपरेट होने का ऐलान कर दिया तुर्की से, जिसके बाद तुर्कीस ने कब्जा कर लिया नॉर्थन साइप्रस पे और साउथर्न साइप्रस को डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन फिर भी तुर्की अपना हक रहता है तमाम साइप्रस की और साइप्रस रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी। लेकिन जनाब साउथर्न साइप्रस तो उस बात को नहीं मानता और वो अपना अख्तियार शो करता है पूरे जजीरे के ऊपर, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और एक कंट्री सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट है आर्मीनिया। जी हाँ, आर्मीनिया आजरबैजान से हो गया सेपरेट और इस कंट्री की रिकॉग्निशन दुनिया के बहुत सारे ममालिक मान चुके हैं। इवन आर्मीनिया एग्जिस्टेंस आजरबैजान भी मान गया। लेकिन जनाब पाकिस्तान, पाकिस्तान ने आज तक आजरबैजान को ही उसका हिस्सा माना है और पाकिस्तानियों से पूछे कि कितने कंट्रीज हैं तो वो आजरबैजान और आर्मीनिया को करके ही बताएंगे। द नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो 73 ईयर्स पहले आज़ादी हासिल कर चुका था और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ हो गई हैं उसकी बहुत सारी लड़ाइयाँ। लेकिन साउथ कोरिया को तमाम के तमाम यूएन मेंबर्स मानते हैं, लेकिन 5 मिलियन नॉर्थ कोरियन नहीं मानता। इसीलिए होती है उनके दरमियान फाइट्स और नॉर्थ कोरिया कहता है पूरा कोरिया को एक ही पेनिनसुला। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के हिसाब से सिर्फ कोरिया ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। जनाब नेक्स्ट है इस लिस्ट के अंदर चाइना। क्या आपको मालूम है कि चाइना भी एक ऐसा मुल्क है जिसको भूटान जैसे कंट्री ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके अलावा 15 छोटे छोटे कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने चाइना को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी बेसिक वजह है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि इंक्लूड करके बनता है ताइवान को। लेकिन ताइवान को यूनाइटेड नेशंस और यूएसए के मुताबिक तो एक सेपरेट एंटिटी होना चाहिए। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इसराइल। इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसको अभी तक 28 कंट्रीज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। सबसे पहले इस्लामिक कंट्री इजिप्ट ने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन जॉर्डन ने 1994 में, जिसके बाद यूएई, बहरीन और कुछ अदर मुस्लिम कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए उसने बहुत सारे कंट्रीज को प्रेशराइज करके इसराइल को करवा दिया है एक्सेप्ट। और आजकल की हालिया जंग में दोबारा वही बात सामने आ चुकी है कि इसराइल की तो रियलिटी ही डिफरेंट है। नेक्स्ट इस लिस्ट पे है कोसोवो। यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो कि 13 साल पहले सर्बिया से आज़ादी ले चुका था 2008 में, लेकिन इसको भी बहुत सारे कंट्रीज ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट है मोरक्को। मोरक्को की एक स्टेट शहरावी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने अपनी इंडिपेंडेंस कर दी थी बहुत ही सालों पहले और यूएसए ने इसको एक्सेप्ट किया सिर्फ एक ही शर्त पे कि ये इसराइल की डिक्लेरेशन को मानेगी, क्योंकि यूएसए तो शुरू से ही इसराइल का सपोर्टर रहा है ताकि मिडल ईस्ट में उसका होल्ड और डंका बचता रहे। तो जनाब मोरक्को ने भी अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट कंट्री है ताइवान। दुनिया की 21वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 15 यूएन के ऐसे मेंबर हैं इंक्लूडिंग यूएसए जो ताइवान की सेपरेट एग्जिस्टेंस को मानते हैं। यही वजह है सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की चाइना और यूएसए के दरमियान। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ अलकाजिया। जॉर्जिया से अलकाजिया ने ली थी सेपरेशन कुछ अर्सा पहले ही और रशिया इसे कर रहा है फुल सपोर्ट, क्योंकि रशिया यूएसएसआर था और वहां से हुई बहुत सारी स्टेट सेपरेट। लेकिन जॉर्जिया और रशिया एक ही एंजाइम रखते हैं, इसीलिए अलकाजिया की सेपरेशन अभी तक रशिया ने एक्सेप्ट नहीं की। नेक्स्ट है साइप्रस। साइप्रस ने तो तुर्की को ही नहीं माना। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों की एग्जिस्टेंस एक दूसरे के लिए क्वेश्चनेबल है, लेकिन तुर्की को तो दुनिया के सारे ममालिक ही मानते हैं, तो इसीलिए साइप्रस की एग्जिस्टेंस अभी भी क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट आर्मीनिया, जो कि आर्टिस्तान से सेपरेट हुआ और आर्मीनिया के एग्जिस्टेंस अभी तक यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे कंट्रीज इसको एग्जिस्ट करना मानते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसनिस्ट्रिया।
जो कि ओटाबू से सेपरेट हुआ और यूक्रेन बॉर्डर के साथ ही है, लेकिन ये एक छोटा सा कंट्री है इसीलिए अभी तक इसकी एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। तो जनाब नेक्स्ट है सोमाली लैंड। सोमाली लैंड एक इंतहाई अहम जगह पे वाके है क्योंकि ये है यमन के दूसरी तरफ और यहाँ पर हुई थी बहुत ही ज़्यादा जंग। सोमाली लैंड ने सेपरेशन ली है सोमालिया से, जिसको खास तौर पे यूएई, बहरीन और बहुत सारे मशरक़ वस्ता के कंट्री सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी मेजर ट्रेड ही इस जगह से होती है।